गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 13, परजीवियों का अध्ययन तथा आर्थिक महत्व। परजीवियों का अध्ययन तथा आर्थिक महत्व, तो बेटा इस अध्याय में एक शब्द पर गौर करें, परजीवी। ये परजीवी का तात्पर्य क्या है? हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में भी ये शब्द पढ़ा है, सुना है, आज पुनः इस पर चर्चा करेंगे। परजीवी क्या है? पर का मतलब दूसरों पर, जीवी का मतलब जीवित रहने वाला। ऐसे सजीव जो अपने भोजन, अपने आवास के लिए दूसरे सजीवों के शरीर पर या शरीर के भीतर निर्भर रहते हैं, या आप कह सकते हो ऐसे सजीव जो अपने भोजन व आवास के लिए दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हों, वो सजीव कहलाएंगे परजीवी। परजीवी आमतौर पर दो प्रकार के होंगे। एक होगा बाह्य परजीवी, एक होगा अंतः परजीवी। नाम से पता लग रहा है बाह्य परजीवी। बाह्य का मतलब बाहर, ऐसे सजीव जो अपने भोजन व आवास के लिए दूसरे सजीवों के शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर आश्रित रहते हों, वो सजीव कहलाते हैं बाह्य परजीवी। जैसी कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका हमारे सिर में पाई जाने वाली जुआ। जुआ आपके शरीर के भीतर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर पाई जाती है। जोंक, जोंक का मुख्य भोजन रक्त होता है, हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे जोंक को भी। तो वो जोंक भी आपके शरीर के बाहर चिपक कर रक्त को चूसती है, तो इस प्रकार के परजीवी कहलाते हैं बाह्य परजीवी। अब बात करें बेटा, ये परजीवी जिन जंतुओं के शरीर पर आश्रित रहते हैं उन जंतुओं को कहते हैं परपोषी। तो परपोषी तो कौन हुआ? जो दूसरे सजीवों को अपने ऊपर आश्रित होने देता है। परजीवी कौन हुआ? जो दूसरे जंतुओं के शरीर पर आश्रित रहते हैं। दूसरा है अंतः परजीवी, ऐसे परजीवी जो परपोषी जंतुओं के शरीर के भीतर आश्रित रहते हैं, भीतर निवास करते हैं, भीतर पलते हैं, उनको बोलते हैं अंतः परजीवी। एस्केरिस, फीताक्रमी, लीवर फ्लूक, ये सारे के सारे परजीवी ऐसे होते हैं जो दूसरे परपोषी जंतुओं के शरीर के भीतर रहते हैं, शरीर के भीतर उन पर आश्रित रहते हैं। अब बेटा इस अध्याय में जो हमको परजीवी पढ़ने हैं उनको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला परजीवी है आपका पिस्सू। पिस्सू, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पिस्सू का वो है पुलेक्स इरिटेंस। पुलेक्स इरिटेंस ये किस संघ में आएगा? संघ होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये किस गण में आएगा? साइफोनेटेरा।
साइफनेप्टेरा, ये गण होगा इसका। बेटा ध्यान दें, वो सभी जंतु जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं उनके शरीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उनके जो उपांग होते हैं, उनके जो हाथ पैर होते हैं, वो संधि युक्त होते हैं। तो पिस्सू का जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम, वो तो है पोलेक्स इरिटेंस। ये किस संग में आएगा? आर्थ्रोपोडा संग में आएगा। ये किस गण में आएगा? साइफनेप्टेरा, साइफनेप्टेरा गण में आएगा। ये पिस्सू पक्षियों और स्तनधारियों पर बाह्य परजीवी के रूप में सामान्यतया पाए जाते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके शरीर के ऊपर और स्तनधारियों के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं, उन बाल या फर में छिपे रहते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। और जिस परपोषी के शरीर पर ये रहते हैं, वहाँ रहकर के उसके रक्त का चूषण करते हैं, लगातार उसके रक्त को ग्रहण करते रहते हैं। मतलब रक्ताहारी प्राणी है, रक्ताहारी परजीवी है। इनके शरीर के बाहर स्क्लेराइट का आवरण पाया जाता है। स्क्लेराइट का आवरण पाया जाता है। एक बार इसका चित्र देखे बेटा, एग्जाम में कई बार इनके चित्र पूछ लिए जाते हैं।
हैव ए डाउट। तो ये हो गया इसका चित्र। देखिए ये पिस्सू का जो शरीर है तीन भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और उदर। इसमें तीन जोड़ी टांगे मिल रही हैं, पिछली जो टांगे होंगी वो थोड़ी लंबी होंगी और इसके फुदकने में सहायता करती हैं, छलांग लगाने में सहायता करती हैं। इसके सिर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र मिलेंगे, मुख मिलेगा, और जो इसका उदर वाला भाग है उसके ऊपर एक कठोर आवरण मिलता है, वो किसका बना होगा? स्क्लेराइट का बना होगा वो। तो देखते जाइए, स्क्लेराइट का बना होगा। इसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होगा, लेकिन जो उदर वाला भाग है वो सबसे बड़ा और सबसे फूला हुआ होगा। पिछली टांगे हैं वो लंबी होती हैं और छलांग लगाने में सहायता करती हैं। इसका जो मुखांग या मुख है वो चूसने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं रक्तहारी प्राणी है और स्तनधारी और पक्षियों के शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है और उन परपोषियों के शरीर से रक्त को चूसता रहता है, और रक्त चूसने के लिए ही इसके जो मुखांग हैं वो चूसने में सहायता करने वाले होते हैं। पिस्सू के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कौन कौन सी अवस्थाएं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। अंडा भी मिलेगा, लार्वा भी मिलेगा, प्यूपा भी मिलेगा और वयस्क अवस्था में तो मिलेगा ही मिलेगा। जनन करने के लिए इन्हें भोजन के रूप में रक्त की आवश्यकता होती है। पिस्सू जब जनन करता है तो जनन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसे रक्त मिलता रहे। रक्त मिलेगा तो वो जनन कर पाएगा। यदि इस पिस्सू को परपोषी नहीं मिलेगा और परपोषी नहीं मिल रहा तो रक्त कहाँ से मिलेगा, और रक्त नहीं मिलेगा तो ये जनन नहीं कर पाएगा, अपनी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। अब ये तो बात हो गई साहब इस पिस्सू की संरचना की, अगली बात करें बेटा इस पिस्सू का महत्व क्या है, आर्थिक महत्व। बेटा एक चीज को गौर से सुन लीजिए, हम जब कभी आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा लाभ ही लाभ हो। कई बार आर्थिक महत्व में हमको हानियां भी पड़नी पड़ती हैं, नुकसान या हानियां भी पड़नी पड़ती है। तो आपको अब लग ही रहा होगा कि ये पिस्सू शायद ही कोई लाभ देता होगा मनुष्य जाति को, इसके द्वारा मोस्टली हानियां ही हानियां मिलेंगी, नुकसान ही नुकसान मिलेंगे। तो कौन कौन सी हानियां, कौन कौन से नुकसान इसके द्वारा होंगे? बेटा पहली बात यह है, मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा। भाई किस किस में मिलेगा स्तनधारियों में? मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा इत्यादि में परपोषी के रूप में पाया जाता है। मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा इत्यादि में परपोषी, जो ये परपोषी हैं इनके शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब पहली बात देखिए, जब यह मुखांग चुभाकर रक्त चूसता है तो वहां पर एक निशान बन जाता है जिसमें सूजन और खुजली बनी रहती है। भाई आपके शरीर में जहां पर भी ये चूस रहा है चूसक से, उस जगह पर एक निशान बन जाएगा और उस निशान में सूजन आ जाएगी, उस जगह पर लगातार खुजली बनी रहेगी। दूसरी बात बेटा, कटे हुए स्थान पर खुरदरी पपड़ी बन जाती है, खुरदरी पपड़ी, जहां पर ये काटेगा उस जगह पर खुरदरी पपड़ी बन जाती है।
जिसमें सड़न पैदा हो जाती है। भाई जिस जगह पर ये मनुष्य को या इन जंतुओं को काटता है उस जगह पर खुरदरी पपड़ी बन जाती है और उस जगह से सड़ी सड़ी सी बदबू आती है, सड़न पैदा हो जाती है। पिस्सू के बाल बार काटने पर बालों का झड़ना तथा खून की कमी, ये लक्षण आ जाते हैं। किसी के शरीर पर पिस्सू लगातार बने हुए हैं और वो बार बार काट रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति लगातार जल्दी गंजे हो जाते हैं, उनके शरीर से बाल उड़ जाते हैं। और दूसरी बात, उनके शरीर में खून की कमी आ जाती है, क्योंकि जब ये पिस्सू आपके शरीर पर परजीवी के रूप में रहते हैं तो रक्त को चूसकर जनन करते हैं, जनन करने के कारण अपनी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी कर लेते हैं और बढ़ोतरी कर लेंगे तो बहुत सारे पिस्सू हो जाएंगे। वो सभी जब आपके शरीर में से रक्त को चूसेंगे तो आपके शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी और बाल झड़ जाएंगे, आप गंजे हो जाएंगे। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, प्लेग। वास्तव में ये जो प्लेग बीमारी है वो पिस्सुओं द्वारा फैली थी और बीमारी भी काई की, ये तो महामारी थी। जिस प्रकार से वर्तमान में ये कोरोना चल रहा है ये भी महामारी है, और ऐसे ही एक समय में चला था प्लेग तो वो भी महामारी थी, जिसकी वजह से यूरोप की एक तिहाई मानव जनसंख्या इस प्लेग की चपेट में आने के कारण ही नष्ट हो गई थी। एक तिहाई, 1/3, एक तिहाई यूरोप की जो जनसंख्या थी वो प्लेग के संक्रमण के कारण ही नष्ट हो गई थी, प्लेग फैल गया था। तो इसका मतलब ये पिस्सू बहुत ही खतरनाक परजीवी है, यदि विकराल रूप धारण कर ले तो प्लेग फैल जाता है। और प्लेग की वजह से आपने अभी देख ही लिया, ये एक महामारी थी और काफ़ी लोग काल के ग्रास बने थे। चलो बेटा, तो ये आपका पिस्सू हो गया जो कि एक परजीवी था। पिस्सू के बाद बेटा हम दूसरा परजीवी देखेंगे, जोंक। जोंक का जो वैज्ञानिक नाम होता है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो इस प्रकार से ये जोंक की बात प्रारंभ करते हैं। जोंक का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, याद रखना पड़ेगा बेटा। एग्जाम में कई बार केवल और केवल जोंक का जूलॉजिकल नेम ही पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। किस संघ में आता है ये? एनेलिडा। और आपको याद रखना पड़ेगा, एनेलिडा संघ में आने वाले सभी जंतुओं का शरीर प्लेन या समतल नहीं होता, बल्कि देखने पर लगता है कि वो छोटे छोटे वलयों से मिलकर बना हुआ है। वलय बोल लें या छल्ले बोल लें, आपकी अंगुली में पहनने वाले जो छल्ले होते हैं, ऐसे कई सारे छल्ले आपस में जुड़ कर के इनके संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो एनेलिडा संघ में वो जंतु आते हैं जिन जंतुओं का शरीर छोटे छोटे अनेक वलयों, अनेक छल्लों से मिलकर बना हुआ लगता है। ये तो जोंक हुआ,
आपने 11th क्लास में केंचुआ पढ़ा था, तो केंचुए के शरीर भी इसी प्रकार से छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बना हुआ था, वो भी एनेलिडा संघ में था। वर्ग कौन सा होगा बेटा? हिरुडिनिया। और गण कौन सा होगा? ग्नेथो ब्रेलाइडा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके वर्गीकरण से संबंधित है, आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। एक बार वापस देखें, जोंक का वैज्ञानिक नाम है हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा कौन से संघ में आएगा? ये एनेलिडा संघ में। वर्ग कौन सा होगा इसका? हिरुडिनिया। और गण कौन सा होगा इसका? ग्नेथोविडेलाइडा। ग्नेथोविडेलाइडा इसका गण होगा। अब ध्यान दो बेटा, यह झील, तालाब और दलदली मिट्टी में पाया जाता है। भाई जो कह सकते हो आप, जो नम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, वहाँ पर मिलेगा ये, सूखी मिट्टी में कभी नहीं मिलेगा आपको। जैसे रेगिस्तान के अंदर जो सूखी भूरा मिट्टी या रेत मिलती है, वहाँ पर आपको जोंक नहीं मिलेगी। जोंक केवल कहाँ मिलेगी? जहाँ पर गीली मिट्टी मिलेगी, नम मिट्टी मिलेगी, दलदली मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी के अंदर जोंक पाई जाती है। जोंक का शरीर 33 खंडों में बटा हुआ होता है। पूरे शरीर में जो खंड मिलते हैं, जो वलय मिलते हैं, उनकी टोटल संख्या 33 होती है। जोंक के शरीर में टोटल 33 वलय पाए जाते हैं। यह द्विलिंगी प्राणी होता है। द्विलिंगी बेटा ध्यान दें, द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो। नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं, ऐसे प्राणियों को द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जिन प्राणियों में, जिन जंतुओं में नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही जंतु में उपस्थित होता है, उन जंतुओं को द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो जो जोंक है वो एक द्विलिंगी प्राणी होती है। इसके शरीर में 10वें खंड पर नरजनन छिद्र। भाई टोटल 33 खंड हैं, उनमें से जो 10वां खंड होगा उस पर तो मिलेगा नर जनन छिद्र, और जो 11वां खंड होता है उस पर मिलता है मादा जनन छिद्र। तो दोनों प्रकार के जनन छिद्र मिल रहे हैं, 10वें खंड पर नरजनन छिद्र तथा 11वें खंड पर मादा जनन छिद्र। तो इसीलिए बोला गया है कि साहब ये उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जा रहे हैं। जो जोंक है उसके 10वें खंड में नरजनन छिद्र और 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जा रहा है। इसके शरीर के दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। ध्यान दे बेटा, इसका शरीर जैसे रफ डायग्राम देखें, इस प्रकार से मान लो, तो इसके अगले सिरे पर भी एक इस प्रकार से चूषक मिलेगा, पिछले सिरे पर भी एक इस प्रकार से चूषक मिलेगा। चूषक क्या काम करते हैं? एक तो चूसने का काम करते हैं, दूसरी बात जैसे चूसने का कैसे, वैक्यूम बना करके, वैक्यूम बना करके गति करने में भी सहायता करेंगे। जिस प्रकार से देखिएगा, एक इस प्रकार से ये जोंक है, जब चलती है तो पिछला चूसक सबसे पहले ये अपने आधार पर वैक्यूम बनाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे जितना बढ़ना हो उतना बढ़ने के बाद अगला चूषक है वो वैक्यूम बनाएगा और चिपक जाएगा, फिर पिछला चूषक छूटेगा और आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से ये गति करेगी। तो यहाँ पर जो इसके शरीर में दो चूषक होते हैं, अगले सिरे पर और एक होता है पिछले सिरे पर, दोनों प्रकार के जो चूषक हैं उनका काम की बात करें तो एक तो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं, और दूसरा इन चूषकों द्वारा गति संभव हो पाती है। इनमें श्वसन की जो क्रिया होती है,
इनकी नम और चिकनी त्वचा द्वारा होगी। तो जिस प्रकार से कैंचुए की बात करते थे, कैंचुए में भी श्वसन की क्रिया उसकी नम और गीली त्वचा द्वारा होती है, ठीक वैसे ही जोंक की बात करते हैं तो जोंक में भी जो श्वसन की क्रिया होगी वो इसकी नम और गीली त्वचा के द्वारा ही संपन्न होती है। इसके अगले चूषक में तीन जबड़े और लार ग्रंथि होती हैं। जो इसका अगला चूषक होगा इसमें एक दो और तीन, इस प्रकार से तीन तो होंगे जबड़े और क्या होंगी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो कि आप लोगों ने मोस्टली अलग अलग जंतुओं के अंदर पढ़ रखा है, तो इस प्रकार से जोंक में भी क्या होंगे अग्र चूषक के अंदर तीन तो होंगे जबड़े और क्या होंगी लार ग्रंथियां होंगी। इसकी लार में प्रतिस्कंदक पदार्थ हिरुडिन पाया जाता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ उसका नाम क्या है हिरुडिन। ये जो हिरुडिन है अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, इसकी लार में मिलता है और इसका जो मेन काम है वो व्यक्ति के या परपोषी के रक्त को जमने से रोकने का होता है। तो हिरुडिन ही आप ये जानते हैं कि साहब ये जोंक लगातार रक्त चूसती है और रक्त चूसने के लिए आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति का ये रक्त चूस रही है उसका रक्त लगातार पतला बना रहे, और पतला बना रखने के लिए ये हिरुडिन पदार्थ आवश्यक होता है जो कि जोंक की लार में पाया जाता है। आगे हम इस जोंक का आगे भी अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में, फिलहाल आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो बेटा ये आज हमने जोंक प्रारंभ किया था, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि फिर भी कोई संकट हो, कोई तकलीफ हो तो ये विद्यालय के मैनेजमेंट के नंबर हैं, इन पर संपर्क करें। धन्यवाद।